अमेरिका में खुद के कंपनी होते हुए सब कुछ होते हुए वहाँ से छोड़ दिया हम देश के लिए लड़ रहे ऐसे 10 साल से लड़ रहे जेल में कर दिया हम सब देख ले मंच पर आसीन जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य नेतागण इस जिला के संयोजक इंचार्ज तथा अन्य नेतागण और यहाँ पर दूर दूर से पधारे हमारे जितने भी दादा दादी हैं चाचा चाची हैं भैया भाभी हैं युवा हैं बच्चे हैं सभी को सबसे पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। मूल रूप से काफी बातें आ गई है तो मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगा आज क्योंकि अधिवेशन भी करना है लेकिन कुछ छोटी सी अवधि में मैं कुछ सवाल भी करना चाहता हूं और एक दो संदेश भी अगर आप यहां से लेकर जा सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा इसीलिए धैर्यता से सुनिए मैं बहुत कम समय लूंगा लेकिन कुछ बातें सीख कर जरूर यहां से जाएं इतनी मेरी आग्रह है शुरू में ही कहना चाहता हूं। इसमें से कितने आदमी को मालूम है कि आपके गांव पालिका का बजट इस साल का बजट कितना है कृपया हाथ उठाइए तो एक बार नहीं कितने आदमी को मालूम है कि इस गांव पालिका का बजट कितना करोड़ का है इसमें किसी को मालूम नहीं ठीक है इसमें से कितने आदमी को इस गांव पालिका ने रोजगारी दिया है अपनी गांव पालिका में कृपया वह हाथ उठे तो किसी को नहीं मैं इधर भी देख रहा हूं इधर भी है कोई तो बताइए जिसको गांव पालिका ने रोजगारी दिया है नहीं है कोई नहीं अब ये बात बताइए कि अपने ही गांव पालिका के अंदर आपको किसी को विदेश नहीं जाना है अपने बाल बच्चा को विदेश की मरुभूमि पे मरने के लिए नहीं भेजना है बल्कि इसी गांव पालिका में रोजगार किस किस को चाहिए वो हाथ उठाइए सब को चाहिए नहीं सबको चाहिए रोजगार ठीक है और मैं इसी बात पे आता लेकिन मिला क्यों नहीं यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग सब भी मौजूद हैं यहाँ पर और कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होंगे जो 2007 साल के क्रांति में भाग लिए थे उस समय की कांग्रेस की जो सरकार थी उसको बनाने के लिए मदद किए होंगे ऐसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग होंगे यहाँ पर कुछ मौजूद होंगे शायद यानी 70 साल पहले भी उसी का सरकार बनाने के लिए हम सब यहाँ पर लगे थे और आज 70 साल बाद भी हम सब उसी के सरकार बनाए हुए हैं लेकिन जो लोग यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद है वो बताइए कि 70 साल पहले आपके बच्चों को खाने पीने के लिए आपका गुजारा करने के लिए किसी को दुबे कतार की मरुभूमि पर जाना पड़ता था 70 वर्ष का 50 वर्ष पहले भी किसी को मरने के लिए दुबे कतार जाना पड़ता था नहीं जाना पड़ता लेकिन आज ये हालत है कि 70 वर्ष तक उसी को जिताते रहे उसी का सरकार बनाते रहे तो आज घर घर से रोजगारी के लिए अपने ऐसे स्वर्ग जैसी धरती को छोड़कर अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर अपनी सुंदर पत्नी को छोड़कर अपने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर उस मरुभूमि में मरने के लिए जाना पड़ता है
ये दुर्भाग्य बात है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खाली हम जिम्मेदार हैं, नेता जिम्मेदार है, कोई पार्टी जिम्मेदार है, यह भी मैं नहीं कहना चाहता। क्योंकि बार बार उसी की सरकार बन रही है, 70 वर्ष पहले भी उसी कांग्रेस की सरकार थी और आज भी उसी कांग्रेस की सरकार है, और वो सरकार बनाने वाले कौन है? हम और आप आम जनता है, जो इतना कुछ करने के बाद, इतना बर्बाद होने के बाद, हमारे अस्तित्व संकट में आ जाने के बाद, हमारे बाल बच्चे विदेश में कड़ा मरुभूमि में काम करने के बाद, वहां पर मरने के बाद, उसके लाश जो है डाकस में बंद आने के बाद भी आज आप उसी को जिता रहे हैं। और क्यों जिता रहे हैं? कोई 500 रुपया दे देता है वोट के लिए, कोई 1000 रुपया दे देता है, इसलिए उस 500-1000 रुपया के लिए बार बार उसी की सरकार बन रही है और हम बर्बाद होते रहे, हमारे बच्चे बर्बाद होते रहे हैं उसी 500-1000 रुपया के लोभ में। चलिए मैं आज खोल कर कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कारण, मूल कारण वह रहा है मवेशियों में। और मैं आज हिसाब कराऊंगा, मैं आज भाषण से ज्यादा मैं आप सबको एक हिसाब कराना चाहता हूँ कि आप सब या हम सभी यहाँ पर मवेशियों में इतनी कमजोरी रही है कि अपने अनमोल वोट को कभी 1 किलो मांसू दे देता है, मांस अपने दरवाजे पर लटका के नेता चला जाता है, उसी को वोट डाल देते हैं। कोई दारू पिला देता है हमारे बच्चों को, उसी को वोट डाल देते हैं। या कोई 1000-2000 रुपये आपके पॉकेट में डाल देते हैं, उसी को वोट डाल देते हैं। और वही कारण है, दूसरा लंबा चौड़ा मैं आज भाषण में जाना ही नहीं चाहता, छोटी सी अगर बात आप समझ ले इतनी मेरी निकाती होगी। और मैं आज हिसाब कराना चाहता हूँ, मैं अभी गाड़ी में आ रहा था और तभी मैंने देखा कि इस गौपालिका का बजट कितना है। इस बार का बजट 77-78 का बजट 42 करोड़ है। क्यों नहीं हुआ? पहली बात, क्योंकि यहाँ पर 42 करोड़ कौपल थोड़ी मान लूंगा, जनता नहीं कमरे में बैठे 42 करोड़ कैसे खर्च बोले जाए, पैसे ना कोई नहीं खाई, तो आपको मालूम तक नहीं होना कि क्योंकि वो आपका पैसा, नेता का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। 42 करोड़ आपका पैसा है, लेकिन यहाँ पर जनता राज नहीं है, आपका राज नहीं है, इसलिए तो बंद कमरे में बैठे 5-10 लोग बैठे नेता साहब, दारू और मांस खाए और वहीं पर अपना अपना हिसाब करके भाग बंदा लगाए, आप तक पैसा पहुँचा। मैं हिसाब आज कैलकुलेटर लेकर कराऊंगा यहाँ पर आपको, और यहाँ से घर जाकर भी आप अपने बच्चों से जिसको हिसाब करना नहीं आता, जो हमारे यहाँ पर अंतर माताएं बहने हैं, वो भी अपने बच्चों को कहिएगा आज हिसाब करके आपको बताया। 42 करोड़ बजट, एक साल का बजट आया, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या है इस गौ पालिका का 28,000, छोटे छोटे बच्चों को मिला के भी, 2 वर्ष 1 वर्ष बच्चों को मिला के भी अगर गिनेंगे तो 28,000 लोग इस गौ पालिका में रहते हैं, ठीक है। बुझे चीज चाची ना कि बजट ठीक है, ठीक है। तो चलिए बात बुझा पर देखते ना, बात बुझा पर ले हिसाब से बात करूं तो 28,000 जनसंख्या, यानी कि लोगों के गिनना, उतने लोग उठा रहे 28,000 हम मछली में।